फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लकीशा फूड ब्लॉग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लंच के लिए स्पेशल थाली तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें पूड़ी, चने की दाल, लौकी के पकोड़े और लापसी। लापसी राजस्थान का ऐसा फूड है जिसको हर फेस्टिवल पे बनाया जाता है, घर घर के अंदर, और हर छोटे मोटे जो भी त्यौहार होते हैं उनमें बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रही है। तो सबसे पहले हम चने की दाल के लिए छौंका तैयार करेंगे। तो थोड़ा तेल डाला हमने और उसमें थोड़ा जीरा डाला है, और उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद में कुछ इलायची के हमने पत्ते डाले हैं, इलायची के छिलके डाले, उसके बाद काली मिर्च डाली है और तेज पत्ता डाला है, फिर उसके बाद में ये करी पत्ता डाला है, और स्वाद को बेटर बना देता, बहुत ही बेहतरीन बना देता। उसके बाद थोड़ी सी हम अदरक को घिस कर डालेंगे। तो अदरक को आपको घिस कर ही डालना है, डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है और खाने के स्वाद को बहुत ही बेहतरीन कर देती है। उसके बाद हमने ये जो हरी मिर्च है उसको चॉप करके इसके अंदर डाला है, और उसके बाद में जो टमाटर चॉप किए हैं वो डालेंगे। टमाटर हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जो गैस की फ्लेम है आपको लो रखनी है, लो टू मीडियम रखनी है आपको, और आपको हिलाते जाना है। उसके बाद में हम एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के आपको हिलाते रहना है ताकि ये जो मसाला है सभी के अंदर मिक्स हो जाए। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम आपको रखनी है, और जैसे आपको लगे कि पकने के बाद अगर मसाला थोड़ा सा थिक हो रहा है तो उस समय आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं, इससे क्या होगा मसाला पकने भी लगेगा और फूलेगा, तो मसाला फूलेगा और पकेगा अच्छी तरह से। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब देखिए मसाला फूलने लगा है, थोड़ी देर हमने इसको ढक के रखा था, तो देखिए मसाला लगभग पक चुका है। तेल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, तो जब तेल छोड़ना शुरू कर दें तो समझ जाइए मसाला पक चुका है। अब हम इसके अंदर देखिए, यहाँ हमने चने की दाल उबाल ली है, तो अब इसके अंदर चने की दाल डालेंगे। तो देखिए चने की दाल आप थोड़ा सा दबा के देखें, अगर दब जाती है तो इसका मतलब चने की दाल पक चुकी है अच्छी तरह से। तो हम इसके अंदर चने की दाल मिक्स कर रहे हैं, तो चने की दाल हमने इसके अंदर डाल दी है, और अच्छी तरह से आपको हिला लेना है इसके अंदर। तो आपको अच्छी तरह से हिला लेना है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे, आपको इस तरह से हाथों से पीस के सूखी कसूरी मेथी आपको इसके अंदर डालना है, तो ये आपके स्वाद को बहुत ही बेहतरीन कर देगी, और अच्छी तरह से हिला लेना है। ये खुशबू काफ़ी अच्छी देती है, स्वाद बढ़ा देती है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच ये गरम मसाला डाला। अब इधर देखिए लौकी के परौठे तैयार हो रहे हैं, पकौड़े तैयार हो रहे हैं। तो लौकी को हमने घिस लिया है। अब इसके अंदर दो बड़ी कटोरी हम इसके अंदर बेसन मिलाएंगे, उसके बाद एक चम्मच नमक स्वादानुसार, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसके अंदर, और एक चम्मच हमने गरम मसाला डाला, थोड़ी सी इसके अंदर हींग डालेंगे, और थोड़ी जो अदरक है इसको घिस के डालेंगे, डाइजेशन के लिए भी बेटर होती है, स्वाद भी बढ़ा देती है। उसके बाद कटी हुई हम हरी मिर्च इसके अंदर डालेंगे, और ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर आटा मिला दिया है। तो हम इसको मिक्स करेंगे, चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से हिलाना है ताकि ये सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। इधर हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। तो लौकी के पकोड़े काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो इधर हमारा लौकी के पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो पकोड़े भी कई किस्म के होते हैं, गोभी के, लौकी के, आलू के, प्याज के। तो लौकी के पकोड़े आप ज़रूर खाइएगा, मेरा रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी टेस्टी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। और ये हमारे देखिए लौकी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, और इस तरह से आप इनको दबा दीजिए,
ताकि ये गर्म रहते हैं, थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे। इस तरह से आप दबा भी सकते हैं। तो यहाँ हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, और दबाने के बाद में देखिए दो बार ये इनको तला जाता है। एक बार ये दूसरी बार जब तला जाता है, करारे बनाने के लिए इसको तला जाता है। एक बार जब हल्के से पक जाए तो आपको निकाल के कटोरी से इस तरह से दबा लेना है, जैसा कि अभी देखा था आपने। और उसके बाद दूसरी बार आप इसको फिर फ्राई कीजिए, ताकि ये जो बनेंगे काफ़ी करारे बनेंगे और इनका जो टेस्ट है काफ़ी डबल हो जाएगा। आप इन पे चाट मसाला लगा के भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारे जो लौकी के पकोड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम लापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चम्मच हमने घी डाल के, ये जो दलिया होता है गेहूं का दलिया, वो इसके अंदर डाला है। और सबसे पहले हम इसको सेकेंगे, तो आपको जो गैस की फ्लेम है मीडियम रखनी है और इसको हिलाते जाना है। हिलाने रेगुलर आपको इसको हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे से चिपके ना। और देखिए हमने अब गुड़ की चाशनी तैयार की थी, वो चाशनी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो गुड़ को हमने गर्म पानी के अंदर डाल के चाशनी तैयार कर दी थी, और इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे। उसके अंदर हम किशमिश डालेंगे और तकरीबन 3 सीटियां देंगे कुकर की। तो 3 सीटियां देने के बाद में देखिए यह हमारी जो लापसी है तैयार हो चुकी है, और इसमें ऊपर से घी और डालेंगे। तो इसमें घी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर डाला जाता है, और ये हमने ऊपर से घी डाला है। तो देखिए हमारी जो लापसी है वो तैयार हो चुकी है। तो राजस्थान के अंदर हर छोटे मोटे जो फेस्टिवल है इसमें बनाया जाता है, बड़े चाव से खाते हैं सभी लोग। अब हम देखिए पूड़ियाँ तैयार करें, तो स्पेशल थाली के लिए यहाँ पूड़ियाँ तैयार की जा रही है। और तो लापसी बहुत ही फेवरेट होती है, फेवरेट फूड में मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। हर छोटे मोटे फेस्टिवल के अंदर, राजस्थान के अंदर तो बनाया जाता है। तो हमारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है। तो ये रही हमारी स्पेशल लंच की थाली। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रही हमारी स्पेशल थाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।